लोकसभा चुनावों में भले ही इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ की गति कम करने में कामयाब रहा हो, पर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह सफल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू संभाग की दोनों सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की, तो वहीं कश्मीर में परिवारवाद की रणनीति के खिलाफ अपनी लड़ाई में बड़ी सफलता पाई है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द फोर्थ वन इंडिया। कल यानी 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम में एनडीए को 292 और इंडिया गठबंधन को 234 सीट मिलने के बाद देश भर में इस बात की चर्चा है कि क्या इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय रथ की गति कम करने में कामयाब रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की उस नीति की, जिसका इन चुनावों में इंडिया गठबंधन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया और भाजपा पूरी तरह से सफल रही। दरअसल हम बात कर रहे हैं भाजपा की परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की। जम्मू कश्मीर को लेकर 5 अगस्त 2019 में केंद्र सरकार ने जो फैसले लिए और प्रदेश को मिले विशेष दर्जा 370 को निरस्त कर दिया, जिसके बाद कश्मीर आधारित राजनीतिक दलों ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। वहीं केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले को कश्मीर में दशकों शासन करने वाले अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार की राजनीति का अंत बताया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की 3 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की, तो इन्हीं 2 परिवारों यानी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर हार के डर से चुनाव नहीं लड़ने का आरोप लगाया। बीजेपी बौखला गई है। एक तरफ से वजीर आजम साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम किया नहीं है, लेकिन दूसरे तरफ से हम देखते हैं कि जहां बीजेपी की तकरीर होती है, मां सिवाय मुसलमानों को निशाना बनाने के वो और कुछ नहीं करते। अब इंशाल्लाह इस चीज़ का जवाब उनको मुल्क के वोटरों की तरफ से मिलेगा, जब 4 जून को जो है एक नया वजीर आजम जो है वो इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन चुनाव नतीजों ने सबको चुकाने का काम किया, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ही इन चुनावों में बुरी तरह हार गए, जिसके बाद राजनीति के गलियारों में ये चर्चा है कि क्या कश्मीर के सियासी अखाड़ों से दूर रहकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैदान मार लिया और परिवारवादी राजनीति के खिलाफ उनकी लड़ाई ने रंग दिखाया। आपको बता दें कि बारामूला सीट से उमर अब्दुल्ला और अनंतनाग राजौरी सीट से महबूबा मुफ्ती को प्रदेश के लोगों ने नकार दिया। सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के नेता आज जाकर पोल करे, वोट किसको देना नहीं देना वो उनका अधिकार है, मगर कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वो हिस्सा बने। पहले चुनाव के बहिष्कार के नारे लगते थे, आज शांतिपूर्वक कहीं एक डंडा भी नहीं चला, एक भी रैगिंग नहीं हुई और धैर्यपूर्वक किसी भी दल का कोई फरियाद नहीं, धैर्यपूर्वक पोलिंग हुई। ये बताता है कि बदलाव हुआ है। और मैं बताता हूं, पहली बार 40% से ज्यादा विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने वोट डाले हैं। अब तक ये आंकड़ा 3% से ऊपर कभी नहीं गया। पहली बार 40% कश्मीरी पंडित और विस्थापित जो थे उन्होंने वोट डाले। ये बताता है कि आत्मविश्वास आया है जनता के अंदर कि नहीं, अब हम डेमोक्रेसी के साथ जा सकते। भाजपा हमेशा जम्मू कश्मीर को 3 परिवारों कांग्रेस, अब्दुल्ला व मुफ्ती से बचाने की लड़ाई लड़ती रही। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग की 2 सीटों पर लगातार तीसरी बार कब्जा जमाकर अपनी सांख बचाने में कामयाब ही नहीं रही, बल्कि उसने प्रदेश में इंडिया ब्लॉक का जादू भी नहीं चलने दिया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को इन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल द फोर्थ वन इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नए विषय के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।